हाय गाइस, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है हर गृहिणी, हर भाई, हर बंधु का आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर वन पर। तो ट्रिकी नंबर वन की पहचान सही और सॉलिड ज्ञान। तो वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है सबका, जितने भी मेरे यूट्यूब परिवार से हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन देने वाली है जो आपके लिए बहुत ही रुचिकर होगी। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखें और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसे प्राप्त करें। आपके मन में जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, उसे कमेंट जरूर करें। आपकी बातें हमारे तक पहुंचेंगी तभी हम आपकी बातों को समझ पाएंगे। सो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से या फिर हमारे ईमेल आईडी chitrabheema@gmail.com पर। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आज की जो इन्फॉर्मेशन है, फ्री टैबलेट्स योजना या फिर फ्री लैपटॉप योजना, पूरी डिटेल्स जानते हैं क्या है, कैसे है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रिकी नंबर वन पर। तो आज की इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, आपके होम स्क्रीन पर आ चुका है कि यूपी फ्री लैपटॉप योजना। तो ये लैपटॉप किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी एलिजिबिलिटी हैं, सभी आपको अपडेट्स इस वीडियो में मिलने वाली है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए हित में है, आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखेंगे और जितनी भी प्रोसेस है आप उसको समझ पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर समाज के हित में वही वीडियो बनती हैं जो समाज के लिए होती हैं, जो समाज के लिए ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले, सबसे तेज आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन ट्रिकी नंबर वन पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज की अपडेट्स क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपके होम स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यूपी फ्री लैपटॉप योजना 2021 की शुरुआत की गई है। और इस योजना में 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण करने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राएं, चाहे वो बालक हों या फिर बालिकाएं हों, मतलब दोनों के लिए है, जितने भी मेधावी छात्र उनको निःशुल्क लैपटॉप वितरण किया जाएगा। और राज्य में ये योजना लागू कर दी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अपना आगे की पढ़ाई बढ़ाएंगे और इंटरेस्ट रखेंगे, और जो भी ऑनलाइन टीचिंग या फिर और बहुत सारी टेक्निकल एजुकेशन होती हैं वो अपने लैपटॉप से प्राप्त करेंगी। चलिए आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको एक थंबनेल दिख रहा है, उत्तर प्रदेश मुफ्त लैपटॉप योजना 2021। तो ये योजना किस प्रकार है, क्या बेनिफिट्स हैं, सभी फीचर्स आपको इसमें बताने वाले हैं। बस 5 मिनट वीडियो पर बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ चुकी है कि छात्रों को हाल ही में 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए यूपी में जो है फ्री लैपटॉप यानी कि 2021 में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इच्छुक जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, योजना के अंतर्गत आवेदन करके अपना जो है इस योजना में लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लैपटॉप पाने की जो न्यूनतम अर्हता है, जो न्यूनतम योग्यता है, वो आपकी 65% है, यानी कि आपकी 65% से कम नहीं होना चाहिए। जो आपकी परसेंट होगी, जो आपके इंटर हाई स्कूल में जो आपके मार्क्स आएंगे, वो 65% से कम नहीं होने चाहिए। चलिए आगे दिखाते हैं आपको कुछ और भी यहाँ पर डिटेल्स, जैसे हाईएस्ट ऑफ यूपी फ्री लैपटॉप योजना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है, योजना का क्या नाम है। तो योजना का नाम है यूपी फ्री लैपटॉप योजना। और आरंभ कब की गई भैया, ये उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है। और कब, कौन सा वर्ष है, तो 2021 है, यानी कि आगामी 2021 में जो छात्र छात्राएँ पास होंगे वही लाभार्थी बनेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए लाभार्थी कौन बनेंगे, छात्र छात्राएँ। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, लेकिन जो चीज़ ऑनलाइन होती है उसकी कुछ अलग ही चीज़ होती है, कुछ अलग ही कार्य होता है। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उद्देश्य क्या है इसका। तो उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि लैपटॉप वितरण से जो बच्चे पढ़ने के योग्य हैं, जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या करेंगे बंधु, वो अपना टेक्निकल एजुकेशन बड़े आराम से कर पाएंगे। श्रेणी क्या है, मतलब किसके अंतर्गत आती है, तो ये सरकारी योजना के अंतर्गत आती है। आधिकारिक वेबसाइट क्या है, आधिकारिक वेबसाइट आपको बस सर्च करना है गूगल पे, यूपी फ्री लैपटॉप योजना, आप आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यूपी फ्री लैपटॉप योजना, तो इस योजना का क्या उद्देश्य है फटाफट देख लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश के बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है,
और जिसके कारण वो लैपटॉप ख़रीद नहीं पाते। और ऐसी स्थिति में आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जिसकी वजह से गरीब तबके के लोग जो बच्चे हैं उनको समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि समस्या का समाधान हो जाए या फिर सामना ना करना पड़े गरीब तबके के बच्चों को, तो इसलिए सरकार ने फ्री लैपटॉप योजना की शुभारम्भ की है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूपी फ्री लैपटॉप योजना 2021 रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। कब रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी भैया? इसी सत्र में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरी इन्फॉर्मेशन है और सरकार के द्वारा। अगर आप भैया पीडीएफ चाहते हैं, इस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स चाहते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। क्या भैया? भीमा चित्रा नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ कॉपी अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स एंड फीचर यूपी फ्री लैपटॉप योजना, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यूपी में लैपटॉप योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश 10वीं-12वीं कक्षा को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। और इसका रजिस्ट्रेशन के तहत आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद प्राप्त कराएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साफ साफ आपको दिख रहा है कि 1800 करोड़ रुपये, यानी कि 1800 करोड़ रुपये इस योजना के लिए मंजूरी मिल गई है। कहने का मतलब इतने रुपए का बजट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी फ्री लैपटॉप योजना 2021 के अनुसार जो है कितने कितने अंक होने चाहिए, तो 65 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा जो भी हो अच्छी बात है। ठीक है, और इस योजना के तहत पॉलिटेक्निक और आईटीआई के छात्रों को भी मौका मिलेगा। यानी कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आईटीआई कर रहे हैं तो भी आप इस योजना के पात्र होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यूपी फ्री लैपटॉप योजना की मानदंड क्या है। तो मानदंड क्या भैया देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की जो मानदंड है वो कि आप उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी हों। कहने का मतलब ये ओनली उत्तर प्रदेश के लिए है, इससे बाहर के स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। और पॉलिटेक्निक और आईटीआई के छात्र भी इसके अंतर्गत अवेलेबल हैं। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है, मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके आधार कार्ड्स हैं, निवास प्रमाण पत्र हैं, 10वीं और 12वीं के जो मार्कशीट हैं, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और एक आपका मोबाइल नंबर। बहुत ही सिंपल दस्तावेज है ये, तो हर बंधु के पास होगा। और अगर नहीं है तो अभी से आप बनवा लीजिए। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता, ये इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी पहले बना दी है। अगर आप जो है इस चीज़ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इस बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे की वीडियो आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे, जो भी सरकारी स्कीम होंगी, योजनाएं होंगी। सो गाइज, अगर इन सब चीज़ों के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।